Hello students, today we will study the chapter 2 polynomials of class 10. Now let us start. What is polynomial? Polynomial, the algebraic expression of the form px is equal to a0 plus a1x plus a2x square plus a3x cube dot 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 up to anx to the power n is called a polynomial in x. इस एक्सप्रेशन को हम पॉलीनोमियल कहेंगे वेयर ए नॉट ए वन ए टू ए थ्री अप टू ए एन आर द रियल नंबर्स एंड ईच पावर ऑफ एक्स इज अ नॉन नेगेटिव इंटीजर्स. यस, पॉलीनोमियल्स के लिए जितने भी एक्स हैं इसमें उन सभी की पावर्स पॉजिटिव होनी चाहिए, नॉन नेगेटिव होनी चाहिए. और ये जो ए नॉट ए वन ए टू है ये रियल नंबर्स होनी चाहिए. पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था व्हाट इज रियल नंबर्स. जो फर्स्ट चैप्टर है वो रियल नंबर्स का है और उसमें मैं आपको बता चुका हूँ द कलेक्शन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स आर द रियल नंबर्स. तो यहाँ ए नॉट ए वन ए टू जो है वो रेशनल भी हो सकते हैं और इरेशनल भी हो सकते हैं. नाउ वी विल स्टडी आफ्टर पॉलीनोमियल्स वी अंडरस्टैंड डिग्री ऑफ ए पॉलीनोमियल. डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल, द हाइएस्ट पावर प्रेजेंट इन द पॉलिनोमियल इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल. बट उसकी एक शर्त है, सपोज इसकी हाइएस्ट पावर एन है तो ए एन नॉट जीरो होना चाहिए तभी डिग्री डिफाइन होगी. यानी जिस टर्म हम डिग्री अगर डिफाइन कर रहे हैं और अगर उसकी डिग्री थ्री बता रहे हैं तो उसका जो कोफिशिएंट है दैट इज ए थ्री वो नॉट जीरो होना चाहिए. तो फाइनली डेफिनेशन क्या होगी, the highest power n is called the degree of the polynomial. लेकिन मैंने भी बताया था कि इसकी शर्त है वो क्या है कि इफ ए एन नॉट जीरो. ये कंडीशन क्यों लगाई हमने, अगर सपोज करो कि चलो नॉट जीरो की वजह जीरो मान लेते हैं, अगर ए एन जीरो है तो दैट मीन्स ये वाली टर्म उसमें नहीं होगी और नहीं होगी तो उसमें एक्स टू दी पावर एन की टर्म भी नहीं होगी. तो उस समय हम इसकी डिग्री कैसे डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि हम कह रहे हैं कि जो हाइएस्ट पावर होगी वही डिग्री होगी. तो हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट तो नॉन जीरो होना ही चाहिए तभी उसकी डिग्री डिफाइन होगी. इसलिए ये कंडीशन साथ में चलेगी, जब भी हम डिग्री की बात करेंगे तो उसका कोफिशिएंट हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट नॉट जीरो होना चाहिए. अब हम समझेंगे टर्म्स ऑफ ए पॉलीनोमियल. टर्म्स ऑफ अ पॉलीनोमियल, ये जो हम देख रहे हैं ए नॉट ए वन एक्स और ए टू एक्स स्क्वायर एंड सो वन, ये सब टर्म्स है पॉलीनोमियल की. यहां पर जो ए नॉट ए वन ए टू है ये कोफिशिएंट ऑफ वेरियस पावर्स ऑफ एक्स हैं. जैसे ए नॉट तो कॉन्स्टेंट टर्म है ये किसी, और ए वन कोफिशिएंट ऑफ एक्स है और ए टू कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है एंड सो ऑन, ए एन इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स एन. तो टर्म्स ऑफ एक्स एन हम डिफाइन करेंगे ए नॉट ए वन एक्स ए टू एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन अप टू ए एन एक्स एन आर द टर्म्स ऑफ द पॉलीनोमियल वेयर. अभी मैंने बताया ये जो ए नॉट है इसके इनटू में कोई वेरिएबल नहीं है तो फिर ये कॉन्स्टेंट टर्म कहलाएगा. कॉन्स्टेंट तो ये सभी हैं लेकिन इनके साथ वेरिएबल भी है तो ये टर्म्स कॉन्स्टेंट नहीं मानी जाएंगी. लेकिन ये जो टर्म्स है ये ओनली कॉन्स्टेंट टर्म है. तो हम कहेंगे वेयर ए नॉट इज कॉन्स्टेंट टर्म, ऑफ द गिवन पॉलीनोमियल एंड ए वन ए टू ए थ्री अप टू ए एन आर द
coefficients of x, x square, x cube up to xn. Yes, ये a1, a2, a3 जो है वो कॉफिशियंट है. आप देख सकते हैं यहां पर a1 कॉफिशियंट है x का, a2 कॉफिशियंट है x स्क्वायर का, एंड सो ऑन. तो ये तो हमारी टर्म्स हैं, लेकिन ये जो a1, a2, a3 है, जो कॉन्स्टेंट जिनको हम कह रहे हैं, जिनको हम रियल नंबर्स भी कह रहे हैं, ये कॉफिशियंट है वेरियस पावर्स ऑफ x के. नाउ वी डिफाइन द टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल. टाइप्स ऑफ अ पॉलिनोमियल. देखिए यहां पर हम टाइप्स दो तरीके से समझेंगे, एक तो बेस्ड ऑन डिग्री और एक बेस्ड ऑन टर्म्स. तो इसलिए पहले हम समझ रहे हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन डिग्रीज. सबसे पहले पढ़ेंगे लीनियर पॉलिनोमियल. What is linear polynomial? A polynomial of degree 1 is called a linear polynomial. A polynomial of degree 1 is called a linear पॉलिनोमियल. अब इसकी एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, वो क्या होती है? द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ लीनियर पॉलिनोमियल इज ऑफ द फॉर्म इन एक्स is of the form px is equal to ax plus v. This is the standard form of linear polynomial. देखिए हम पॉलिनोमियल को p से रिप्रेजेंट करते हैं, p फॉर पॉलिनोमियल. इसे हम fx से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. यहां पे बात बताना पड़ेगा वेयर a b आर रियल नंबर्स एंड ए नॉट जीरो. ये बात हमें कहनी पड़ेगी. क्यों कहनी पड़ेगी? यहां पर हम देख रहे हैं एक्स की पावर वन है. अगर कोई भी पावर नहीं लिखी हुई है तो उसकी पावर वन मानी जाती है, तो ये लीनियर पॉलिनोमियल हुआ, क्योंकि हमने कहा कि अगर डिग्री वन है तो वो लीनियर है. अब हमने ए नॉट इक्वल टू जीरो क्यों कहा? अगर सपोज करो कि ये जीरो हो गया, अगर ये जीरो हो जाएगा तो ये टर्म पूरी जीरो हो जाएगी, तो केवल बी बचेगा यहां पर. तो जब बी बचेगा, बी क्या है? कॉन्स्टेंट है. तो यहां पर इसकी डिग्री जीरो मानी जाएगी. तो लीनियर पॉलिनोमियल के लिए उसकी डिग्री वन होनी चाहिए. वन तभी होगी जब एक्स का कोएफिशिएंट नॉन जीरो होगा, इसलिए ए नॉन जीरो होगा. मैं डिलीट ये रफ करता हूं और इसके बाद नेक्स्ट टाइप बताता हूं. नंबर टू क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. देखिए मैंने अभी कहा ये भी जो हम जो टाइप्स बता रहे हैं ये बेस्ड ऑन डिग्रीज है, तो हम डिग्री बढ़ाते जाएंगे और उसका मीनिंग बताते जाएंगे. क्वाड्रेटिक का मतलब होता है द पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री टू इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. Polynomial of degree 2 is called a quadratic polynomial. इसकी भी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, सभी की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है.
स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल इन एक्स इज ऑफ द फॉर्म, सभी पॉलीनोमियल्स को हम पी एक्स से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और एफ एक्स से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये हो जाएगा हमारा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, वेयर ए बी एंड सी आर रियल नंबर्स एंड ये कहना जरूरी है कि ए नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि जब हाईएस्ट डिग्री टू होगी तब हम उस पॉलिनोमियल को क्वाड्रेटिक कहेंगे और ऐसा तभी पॉसिबल होगा जब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट दैट इज ए नॉन जीरो हो, इसीलिए हमें हर पॉलिनोमियल में ये बात कहनी पड़ेगी कि जो भी उसकी डिग्री होगी उसका कोफिशिएंट नॉन जीरो होगा ऑलवेज। फॉर एग्जाम्पल कुछ समझ लेते हैं, पी एक्स इक्वल टू जैसे एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस थ्री, जैसे फाइव एक्स स्क्वायर माइनस रूट थ्री एक्स प्लस सेवन एक्सेट्रा, मतलब इसके जो कोफिशिएंट है ये कोफिशिएंट रेशनल भी हो सकते हैं इरेशनल भी हो सकते हैं, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया एबीसी जो है वो हमारे रियल नंबर्स है और रियल नंबर्स में भी रेशनल और इरेशनल। नाउ द थर्ड क्यूबिक पॉलीनोमियल व्हाट इज क्यूबिक पॉलीनोमियल, हम एक ही करके पढ़ रहे हैं, डिग्री डिग्री वन था तो लीनियर था, डिग्री टू था तो क्वाड्रेटिक था और डिग्री थ्री होगी तो क्यूबिक होगा, सो द पॉलीनोमियल ऑफ डिग्री टू ऑफ डिग्री थ्री, the polynomial of degree 3 is called a cubic polynomial, अब इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी ये लैंग्वेज आप खुद लिख लेना, मैं केवल स्टैंडर्ड फॉर्म लिख दे रहा हूं इसकी, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होगी हमारी ए एक्स क्यूब प्लस वी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, मतलब पावर बढ़ती जा रही है थ्री लेकिन घटती भी जाएगी एक एक करके, थ्री फिर टू फिर वन फिर कॉन्स्टेंट। एक बात और समझ लीजिए कि पॉलिनोमियल ऑलवेज या तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में होंगे या फिर ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में होंगे, दैट इज पावर जो हमारी डिक्रीजिंग ऑर्डर में है इसको हम रिवर्स ऑर्डर में भी लिख सकते हैं, इसको डिक्रीजिंग की बजाय इंक्रीजिंग ऑर्डर में भी हम इसको लिख सकते हैं, ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, या तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो या फिर ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो। यहां पर भी एबीसी जो है वो हमारे क्या है रियल नंबर्स हैं और इसको हम शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हैं वेयर ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी बिलोंग्स टू आर। अब ये मैंने नया वर्ड एक नया साइन यूज किया है और ये मैथमेटिकल साइन है और इस साइन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब है बिलोंग्स टू, बिलोंग्स टू का मतलब होता क्या है, बिलोंग्स टू का मतलब ये होता है कि जैसे मान लो ए कोई सेट है इसमें वन टू थ्री थ्री एलिमेंट है, तो अगर मैं कहूं कि टू टू इसको बिलोंग कर रहा है और अगर मैं कहूं फाइव तो फाइव इसको बिलोंग नहीं कर रहा है, तो ये बिलोंग्स टू का साइन है और ये डज नॉट बिलोंग्स टू का साइन है, तो हम शॉर्ट में इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए बी सी डी बिलोंग्स टू आर, हियर आर इज द सेट ऑफ रियल नंबर, दैट इज ए बी सी डी आर आर रियल नंबर्स एंड ये कहना बहुत ही जरूरी है कि ए नॉट इक्वल टू जीरो, तभी डिग्री इसकी थ्री रहेगी और डिग्री जब थ्री रहेगी तभी ये क्यूबिक पॉलीनोमियल कहलाएगा। नंबर फोर वाई क्वाड्रेटिक, वाई क्वाड्रेटिक का एक नाम और भी है, इसको क्वाड्रेटिक भी कहते हैं, वाई क्वाड्रेटिक या फिर क्वाड्रेटिक। अब जैसे हम बता रहे हैं कि पावर हम बढ़ते जा रहे हैं, अभी डिग्री हमने टू कहा फिर थ्री कहा, अब हम कहेंगे फोर,
अब पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री फोर इज कॉल्ड वाई क्वालिटी पॉलिनोमियल। अब पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री फोर इज कॉल्ड अ वाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और इसकी स्टैंडर्ड जो फॉर्म होती है वो मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, ये होती है ए एक्स टू दी पावर फोर प्लस वी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई। देखिए डिग्री एक एक बढ़ती जा रही है और ये जो रियल नंबर्स हैं ये भी एक एक बढ़ते जा रहे हैं। इस यहां पर क्वाड्रेटिक में केवल थ्री कॉन्स्टेंट थे, दैट इज थ्री रियल नंबर्स थे, यहां पर फोर हो गए और यहां पर फाइव हो गए ए बी सी डी ई। अब इसको भी शॉर्ट में लिख दे रहे हैं, ये सब रियल नंबर है और इसको शॉर्ट में लिखने का तरीका ये है ए बी सी डी एंड ई बिलोंग्स टू आर। साथ में ये भी कहेंगे कि ए नॉट इक्वल टू जीरो, तभी ये वाई क्वाड्रेटिक रहेगा। अगर ये जीरो हो जाएगा, अगर ये टर्म जीरो हो जाएगी तो फिर तो ये क्यूबिक रह जाएगा, इसलिए ये कहना भी जरूरी है। तो ये हमारे फोर टाइप्स हो गए और फोर टाइप्स के बाद अभी हम और आपको बता रहा हूँ, ये थोड़ा सा इसमें बना दो इसकी वीडियो जिससे कि बच्चे इसको नोट डाउन कर लेंगे और पुश करके वीडियो को नोट भी कर सकते हैं। तो ये मैं थोड़ा सा आपको मौका देना चाह रहा हूँ जिससे आप आराम से इसको नोट डाउन भी कर सकें अपनी कॉपीज में। वैसे आप जो है पुश करके इसको नोट डाउन कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट नंबर फाइव कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल्स। अभी कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल क्या है? देखिए हमने बात लीनियर की कह दी, क्वाड्रेटिक की कह दी, क्यूबिक की और वाई क्वाड्रेटिक, दैट इज डिग्री हमारी एक एक बढ़ती जा रही है। डिग्री वन टू थ्री फोर ठीक कह दिया, लेकिन जीरो डिग्री तो बात ही नहीं करी हमने कि अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री जीरो है तो उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल। द पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री जीरो इज कॉल्ड कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल। अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री जीरो इज कॉल्ड अ कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल। अब सुनिए जीरो डिग्री का पॉलिनोमियल कौन सा हो सकता है? इन जनरल हम एक बात ये कह दे रहे हैं यहां पर कि एवरी रियल नंबर, एवरी रियल नंबर इज अ कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल, इज अ कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल। फॉर एग्जाम्पल पी एक्स इज इक्वल टू, जैसे हमने फाइव लिख दिया, जैसे हमने माइनस सेवन लिख दिया, या हमने रूट थ्री लिख दिया, या हमने फाइव अपॉन टू लिख दिया, ये सभी कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल है, ये सभी रियल नंबर्स हैं और इनकी डिग्री जीरो है। जीरो कैसे है? जैसे अगर हम बात करें फाइव की तो फाइव को मैसे लिख सकते हैं फाइव इंटू एक्स टू दी पावर जीरो, और हमें पता है ये बात हम अच्छी तरह जानते हैं कि एक्स रेस टू दी पावर जीरो इक्वल टू वन, तो हम फाइव को ऐसे लिख सकते हैं फाइव इंटू वन। और यहां पर हम देख रहे हैं कि एक्स की पावर जीरो है और जिसकी पावर जीरो है उसका मतलब उसकी डिग्री जीरो है। एक बात आपको और बता दें, ये जो पावर है वर्ड हम यूज कर रहे हैं पावर, पावर और इंडेक्स एक ही बात है, इंडेक्स ऑफ एक्स और एक्सपोनेंट तीनों का मतलब एक ही है, ज्यादा सिनोनिम सब भी ज्यादा। तो कहीं कहीं बुक्स में पावर लिखा होगा, कहीं इंडेक्स लिखा होगा, इंडेक्स ऑफ एक्स या एक्सपोनेंट ऑफ एक्स, तो आप समझ जाएंगे इनका सबका मतलब है एक्स की पावर जो कि नॉन नेगेटिव होनी चाहिए। एक और बचा भी जीरो पॉलिनोमियल, जीरो
पॉलिनोमियल। अब आपको बता दे कि जैसे यहां पे हमने कहा था कि एवरी रियल नंबर इज ए कोशेंट पॉलिनोमियल, अब रियल नंबर तो जीरो भी होता है, रियल नंबर तो जीरो भी होता है, इसलिए हम ये कहेंगे द कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल जीरो, ओनली जीरो इज कॉल्ड द जीरो पॉलिनोमियल। अब बात आएगी कि इसकी डिग्री क्या होगी, अभी तक तो हम सब डिग्री पे डिफाइन कर रहे हैं, तो आपको बता दें डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड। अब क्यों नहीं है इसकी डिफाइन, ये भी मैं बताता हूं आपको। तो सबसे पहले मैं लिख दे रहा हूं द कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल जीरो इज कॉल्ड जीरो पॉलिनोमियल। That is px is equal to zero. अब बात यह है कि इसकी डिग्री डिफाइन क्यों है, क्यों नहीं है, ये लिख दे रहे हैं यहां पर नोट। द डिग्री ऑफ अ जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड। तो भाई डिफाइन क्यों नहीं है, डिफाइन इसलिए नहीं है कि आपने जीरो को लिख सकते हैं आप जीरो एक्स, आप इसको लिख सकते हैं जीरो एक्स स्क्वायर, आप इसको लिख सकते हैं जीरो एक्स क्यूब, क्योंकि आपको पता है कि जीरो की अगर आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो जीरो ही मिलता है। तो जीरो को हम इस तरह लिख सकते हैं, आप यहां पर डिग्री बढ़ती जा रही है, कुछ भी हो सकती है, इसलिए डिग्री इसकी नॉट डिफाइंड है, इसलिए इसकी डिग्री नॉट डिफाइंड है। ये तो सब रहे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन डिग्रीज, अब हम समझेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन टर्म्स, तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे, अभी मैं इसको स्टॉप कर रहा हूँ, छोटी छोटी वीडियो बनाना चाह रहा हूँ इसलिए, तो अभी मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको पार्ट टू पॉलिनोमियल पार्ट टू में आपको समझेंगे कि टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन टर्म्स, वो की तीन होते हैं मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल, ये मैं आपको अगले लेक्चर में बताऊंगा। थैंक यू।